हेलो चिकन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर राहतो, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। आपको बता दें कि निकाय चुनाव का डंका काफी हद तक चुनाव के करीब आ चुका है। नगर पंचायत इल्तफातगंज का चुनाव बड़ा रोचक हो चुका है। बसपा की परमगत सीट रही, इस बार जीतने के लिए बसपा दिलोजान से जुटी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद हमारे घनश्याम सिंह खरवार जी मौजूद हैं, प्रत्याशी शालिनी यादव जी मौजूद हैं। आज यह नुक्कड़ सभा थी, नुक्कड़ सभा के माध्यम से उन्होंने अपील की अपने पार्टी के समर्थन को लेकर। पार्टी की जीत को लेकर काफ़ी उत्साहित है पार्टी के कार्यकर्ता। आपको बता दें कि पार्टी पूरे जिले में 4 पंचायत और 3 पालिकाओं में अपने प्रत्याशी उतार रखी है और उनकी चुनाव की कमान पूर्व राज्यसभा सांसद घनश्याम सिंह खारवार जी संभाल रखे हैं और उनकी सेनापति दिनों रात काम कर रही है। ऐसे में आपका TV7 में स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। पार्टी आपकी 4 पंचायत और 3 पालिकाओं में चुनाव मैदान में, ऐसे में क्या स्थिति है, क्या समर्थन मिल रहा है? हम सभी जगह जीतेंगे, हमारे चाहे नगर पालिका के चेयरमैन हों, चाहे टाउन एरिया के चेयरमैन हों, हमारे हर प्रत्याशी बहुत मेहनत से लगे हैं और हम सभी सीटों पर जीतेंगे। नगर पंचायत इल्फातगंज में आप आए हुए हैं, जो पुराने बसपाई थे वो आज सपा के चोले पहनकर सपा के पक्ष में अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या स्थिति बनी है नगर पंचायत इल्फातगंज में? इल्फातगंज में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने श्रीमती शालिनी यादव जी को उम्मीदवार बनाया है और ये बहुत ही पुराना घराना है, राजनीतिक घराना है और बहुजन समाज पार्टी का मतदाता हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है। हमेशा विगत दिनों में भी बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन इल्फातगंज में जीता है, तो अब की बार फिर बहुजन समाज पार्टी का परचम लहरेगा श्रीमती शालिनी यादव। सरकार के द्वारा गुंडे माफियाओं अन्य कानून व्यवस्था पर दावा किया जा रहा है कि निकाय चुनाव निष्पक्ष होंगे और कानून व्यवस्था को लेकर बाबा योगी आदित्यनाथ जी हमलावर है और बसपा कहीं ना कहीं चुप नजर आ रही है, क्या कर रही है? बसपा बिल्कुल चुप नहीं है, वो हल्ला करते हैं, ढोल बजाते हैं, ऊपर गाते हैं और बहुजन समाज पार्टी का ग्रास रूट का कार्यकर्ता घर घर घुसा हुआ है। नीचे स्तर पे बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी का काम हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी हल्ला नहीं कर पाती और बहुजन समाज पार्टी का वर्कर घर घर जुटा रहता है, क्षेत्र में जुटा रहता है। अपने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो उनके शासनकाल में जो विकास के काम हुए हैं और मुख्य रूप से अम्बेडकर नगर के लिए जो उनका महान योगदान है उसको याद दिलाते हैं और ऐसे में पॉजिटिव थिंकिंग है लोगों की और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है। हम पूरे तन मन धन से, हमारे हर कार्यकर्ता हर पदाधिकारी क्षेत्र में लगा हुआ है, हमारे समर्थक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है हम सभी सीटों पर जीतेंगे। अतीक हत्याकांड जो हुआ इलाहाबाद में, क्या ये मुद्दा बनेगा निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था को? ये मुद्दा प्रयागराज में जो था वो तो हो गया, यहाँ तो मुद्दा नहीं, यहाँ निर्णय लड़ाई यहाँ। निकाय चुनाव में शालिनी यादव का क्या एजेंडा होगा अगर चुनाव मैदान में वो जीती तो? निकाय एजेंडा बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा जो विकास का एजेंडा है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनते ही विकास का काम शुरू कर देती हैं, वही एजेंडा श्रीमती शालिनी यादव का है, वो भी विकास का काम करें। क्या अपील करेंगे मतदाताओं से, आप बसपा के आप नुक्कड़ सभा में आए थे, ऐसे मतदाताओं से क्या अपील? हम सभी लोगों से अपील करेंगे, हर वर्ग हर जाति हर धर्म के मानने वाले लोगों से, मतदाताओं से, महान जनता से अपील करेंगे कि 11 तारीख को आप लोग वोट डालने जाएं तो हाथी पर मोहर मारें और बहुजन समाज पार्टी को जिताएं ताकि उत्तर प्रदेश में एक शांत प्रिय ढंग से भाईचारा पर आधारित, विकास पर आधारित, कानून व्यवस्था पर, अच्छा कानून व्यवस्था पर आधारित सरकार दे सकें ताकि निकायों में हमारा कब्जा हो। हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व सांसद राज्यसभा सांसद पर घनश्याम सिंह खरवार जी, उन्होंने दावा किया कि बसपा पूरे जिले में 4 पंचायत और 3 पालिकाओं में परचम लहराने का काम करेगी, नगर पंचायत इल्फातगंज में भी परमगत सीट पर कब्जा पुनः होगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बसपा को जिताकर विकास के मुद्दे पर वोट करें। मैं प्रोफेसर राहतो, TV7 न्यूज, सहयोगी शेर बहादुर यादव के साथ अम्बेडकर नगर।
बनाने का काम किया, जिनके नेतृत्व में हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को भी काम करने का अवसर मिल रहा, सीखने का अवसर मिल रहा है। इस जनपद के गौरव पूर्व सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, पूर्वांचल के हमारे कोऑर्डिनेटर माननीय खरवार साहब हम लोग के बीच में उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आए और अपने विचारों को रखने का काम करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे।